आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस न्यूज़ में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। और मीरा भेंदर ये बात वसई विरार से सीटी लेकर आए थे, और मुझे लगता नहीं कि भिवंडी में सीटी की जरूरत है, भिवंडी के अंदर सिर्फ घड़ी की जरूरत है। तो मैं नदीम भाई और नदीम भाई के सभी साथी का पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। ये चीज हम लोगों को अब समझ में आई, जो वाकई में उनकी जो कहावत थी वो बहुत अच्छी थी। ये चीज तो हमको भी समझना चाहिए, क्योंकि हम जब से जो ये बाहर का सौगात चुन के आया है, इसको हम देख रहे हैं कि ये शहर में क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ लूट मार का काम इनका चालू है, ये हर चीज में उंगली करते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, कुछ थोड़ी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उस चीज को छोड़ देते हैं। तुम देखोगे, इन्होंने कहा था कि मैं टोरेंट को बंद कराऊंगा, नहीं तो मैं दूसरी कोई कंपनी लाऊंगा, लेकिन इनका पता नहीं ऐसी क्या डीलिंग हो गई टोरेंट वाले लोगों से, कि ना कोई दूसरी कंपनी आई, ना टोरेंट पावर का ऑडिट हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब से ये चुन के आए 2019 के बाद से, तुम लोग जाके रिकॉर्ड निकाल लो, पिछले साल 2019 से पहले आज तक कभी इतना केस नहीं हुआ भिवंडी के आवाम के ऊपर, और ना ही इतना ज्यादा फाइन मारा गया है जितना अब 2019 के बाद से मारा जा रहा है। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि इनको जो पहले का किया हुआ काम है, जो पहले से मंजूर काम है, वो उनको मिल जा रहा है। नहीं तो ये काम वो आरसीसी नगर लाके थे, शांति नगर तक रोड बनाना है, ये 2016 में ही मंजूर हो गया था, लेकिन इसकी ड्रेनेज लाइन का काम बाकी था, इसके लिए काम पेंडिंग चल रहा था, और जैसे ही इसका ड्रेनेज लाइन का काम खत्म हुआ, वो रोड का काम चालू हो गया। अगर ये एमएलए नहीं, कोई लल्लू सिंह भी चुन के आता तो भी वो रोड का काम होता। अभी जैसे तुम ये रोड देखोगे, आरसीसी रोड का ये काम चालू हुआ, तो एमएलए साहब यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे थे, वो वहाँ आगे थे जहाँ तक डामर का रोड था, उसके आगे थे, आरसीसी चालू करके डाय गाँव तक लेके जा रहे थे। लेकिन उस मामले में यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है 72, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, और हम लोग मिल के इस रोड को वापिस से इसको घुमा के लाना पड़ा। हम लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और आबादी बहुत ज्यादा है, उस पट्टे में इतनी आबादी नहीं है, तो यहाँ का रोड आरसीसी सलाहुद्दीन तक बनना चाहिए। तो उसके लिए बहुत से लोगों ने आकर की मदद भी करी थी, जैसे विराट पाटिल साहब हो गए, सोएब भाई हो गए, रुपेत मात्रे हो गया, इन लोगों ने सब ने ठेकेदार को बुला के बताया कि तेरा जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सलाहुद्दीन के नायगांव देखो जाना है, तो देखो काम सलाहुद्दीन से शुरू करना है, जहाँ तक 6 किलोमीटर जाएगा वहां पे देखो खत्म करना है। लेकिन उसमें आंदा था, बहुत ज्यादा अंदर डाल रहे थे, होने नहीं दे रहे थे, लेकिन जो कायदा और जो कानून है वो किसी एमएलए का मोहताज नहीं है, इसके लिए रोड को इनको वापिस घुमा के यहाँ तक आना पड़ा। इसके लिए मैं वास्तव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उसने इसकी बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी, वो भी तुम्हारे लिए। वास्तव चाहता था कि ये रोड के लोगों को एक बार रोड मिल जाए, क्योंकि जो डामर का रोड था वो हर 4 साल और 2 साल में टूट के खराब हो जाता, उसके बाद ये आरसीसी बनता नहीं। और ऐसे बोलने में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी जब इलेक्शन आएगा, तुमको हर चीज का खुलासा किया जाएगा सबूत के साथ में कि भिवंडी शहर में कितना करप्शन हो रहा है। आज रोड की हालत देख लो, गटर देख लो, जैसा समझ में आ रहा है वैसा बना के थूक लगा के लोग चले जा रहे हैं, और उस काम को रोकने के लिए अगर कोई आता है, कोई नगर सेवक हो गया जिसको जिंदगी भर यहाँ रहना है, इनको तो यहाँ रहना नहीं है, आज एकल चले जाएंगे। लेकिन हम लोग जब इसकी लड़ाई लड़ते हैं तो ये आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और गुमराह करने के लिए लोगों को आगे स्टेज में बोलते हैं, न्यूज में बोलते हैं कि ये लोग काम में अंडा डाल रहे हैं। हम लोगों का मकसद कभी काम में अंडा डालना नहीं रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इतनी मुसीबत पे और इतनी मुश्किल उठा के एक बार ये काम हो रहा है तो काम अच्छे से हो जाए, लेकिन ये किसी सूरत में काम अच्छा करने को तैयार नहीं है। तुम जगात नाके से शांति नगर तक इनका काम देख लेना, अगर वाकई में एमएलए साहब ईमानदार है तो अभी तक जितना काम हुआ है उसकी ये थर्ड पार्टी ऑडिट करवा दे, थर्ड पार्टी ऑडिट में रिपोर्ट में सब आ जाएगा कि कैसा काम हुआ है कैसा नहीं, लेकिन ये अभी नहीं, ये खत्म होने के बाद भी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कुछ सरकार है एमएलडी वालों लोग से। मेरे को आप लोगों से यही कहना है कि हमको ये बार भिवंडी से ऐसे अंदर चुन के भेजे हैं जो सत्ता में रहेंगे और ये बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे, ना कि जाके जो लोग हैं, जो मुसलमान के खिलाफ लोग हैं उनके तलवे चाटेंगे। ऐसे लोगों को भेजना नहीं है, क्योंकि आज वक्त आया है कि बीजेपी का नामो निशान बदलने का, इसका तख्त पलटने का। आज अगर हम लोगों ने ये मोदी को नहीं भगाया तो हम लोग समझ जाओ कि हम लोग
शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जो मेहनत की उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो पार्टी सिटी जो बताया मतलब भाई सिटी में थे वो पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और राष्ट्रवादी पार्टी उनका स्वागत करती है। और यहाँ पे जो इस प्रोग्राम में भास्कर भाई ने और हलीम भाई ने और शौकत भाई ने जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया और उसके लिए मैं बहुत सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों साथियों आज आप लोग के बीच में आने का मकसद ये है, एक तो सत्कार का प्रोग्राम रखा गया, दूसरा आज इस शहर में और इस देश में जो चल रहा है वो आपके सामने है। पूरे देश में आज हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को और दलित भाइयों को दबाने का काम चल रहा है। आज जो भाजपा सरकार जो कर रही है सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे पूरा काम कर रही है। आज इस देश के अंदर आप उठा के देख लीजिए महंगाई कहाँ जा रही है, आज भ्रष्टाचार कहाँ पे जा रहा है, पूरा देश में आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी आज कितने हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ लिख के भी उनके पास रोजगार नहीं है। आज संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोगों में से हैं, इसलिए हम लोगों को एक होने के लिए चाहे छोटे इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन में बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है। आज आप देख लीजिए 2019 के अंदर जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी तो भाजपा और शिवसेना पहले सरकार बनाने वाली थी, लेकिन यही राष्ट्रवादी के हमारे सुप्रीमो शरद पवार साहब ने ऐसा खेल खेला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पे आके मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का बना और भाजपा को उठा के फेंकने का काम किया। उसके बाद हमारा काफी काम चालू हो चुका था शहरों में, पूरे महाराष्ट्र में काम हो रहे थे, लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं बातें चुभ रही थी कि अगर इनको रोका नहीं जाए तो आगे आने वाला वक्त महाविकास आघाड़ी का रहेगा। तो ऐसे कुछ गद्दारों को जो शिवसेना के लोग थे वो लोगों ने पार्टी से गद्दारी की और महाविकास आघाड़ी की सरकार चली गई। वो सरकार जाने से महाराष्ट्र का पूरा नुकसान हुआ तो हुआ, खासकर अल्पसंख्यक लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, भिवंडी शहर का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हमने 40 से 50 करोड़ रुपए की भिवंडी के लिए मांगनी की थी कि हमारे शहर में पैसा आवे ताकि हम यहाँ के रोड रास्ते गटर नाली जो भी इस वार्ड के रहे हर वार्डों में काम करके इस वार्ड को सब वार्डों को सजा दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है सरकार गिरने की वजह से हमारा फंड रुक गया। 7 करोड़ रुपए तो कोकण आयुक्त का हमारा फंड पास होकर पड़ा हुआ है, लेकिन शिवसेना सरकार जो एकनाथ शिंदे साहब की जो गर्त है वो रिलीज नहीं कर रही है। वो 7 करोड़ भी आ जाता है तो बहुत लोगों का वार्ड में राहत मिल जाती, लेकिन रोक दिया गया वो भी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे आने वाला बात खाली MLA नहीं, आपको हमारा महापौर भी जो है महाविकास आघाड़ी का बनाना पड़ेगा, आपको MLA भी महाविकास आघाड़ी का बनाना पड़ेगा, आपको MP भी महाविकास आघाड़ी का बनाना पड़ेगा, तो BJP यहाँ से कमजोर होगी और BJP हिंदुस्तान से खत्म होगी। इसके लिए दोस्तों साथियों थी, लेकिन महानगर पालिका की बहुत खस्ता हालत थी, महानगर पालिका में फंड ना होने के वजह से प्रॉब्लम आ गया। राष्ट्रवाद समाजवादी का आमदार है, उसको 5 करोड़ रुपया निधि मिलती है हर साल की, वो 10-10, 20-20 लाख 25 लाख हर वार्ड में वो ऐसे भी दे सकते हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे कि वो लड़के लेके पैसा आ रहे। और आमदार खुद कितनी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल चुके हैं कि अजीत दादा पवार साहब ने काफी मदद की है। अजीत दादा पवार साहब कौन सी पार्टी के? राष्ट्रवादी पार्टी के, वो मुख्यमंत्री थे। तो मेरा कहने का मतलब है आप मेरे जो वार्ड में जो भी नगर सौ के पैनल जो भी हलीम भाई का भाजपा भाई का लोग जो पैनल बनेगा शाक भाई है और जो लोग है ये लोग का जो भी पैनल बनेगा उनको आप लोग चुन के लाइए, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। बाकी और जो इनके अपोजिशन में सब लाखारे गद्दार लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनका जहाँ फायदा रहेगा वहाँ भाग के आएंगे, इनको सिर्फ अपना फायदा दिखता है, इनको वार्ड वार्ड से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए दोस्तों साथियों कोई गलत फैसला मत करना, कोई गलत लोगों को वोट मत डालिएगा। अगर आमदार कहते हैं मैंने बहुत काम किया, आमदार के इलेक्शन में देखेंगे, लेकिन फिलहाल महानगर पालिका के इलेक्शन में आप
नहीं बांटेंगे, पूरे वार्ड में आजू बाजू जितना है आप लोग राष्ट्रवादी को चुन के लाइए और महापौर राष्ट्रवादी का बनेगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों साथियों। अभी आमदार के बारे में जिक्र हो रहा था, आरिफ भाई ने बताया, मतलू भाई ने बताया, बातें तो बहुत सी है, जितनी बातें बताई जाए उतनी कम है। बाहर का आमदार से अच्छा हमारा कोई घर का आमदार रह ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो राज किसी को खा सके। क्यों नहीं, आज हमारे पास मेरे भी एक दिमाग में एक नाम है जो इस शहर के अंदर हर लोग जानते हैं, कोई भी उनके गरीब अमीर कोई भी उनके दरवाजे में चले जाए, वो काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग हो सकता है आने वाले वक्त हम राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से भी मांगनी करेंगे कि हमको भी आमदार की सीट यहाँ से दी जाए और आमदार की सीट हम लड़े। क्यों ना हम यही के लोकल नेता हूँ मैं, जो हमारे डेप्यूटी मेयर अहमद सिद्दीकी साहब है, क्यों ना इन्हीं को लड़ाया जाए, क्योंकि आगे सक्षम है, हर चीज में पूरा सक्षम है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि अहमद भाई को हम लोग यहाँ पूरब से इंशाल्लाह इलेक्शन में खड़े करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों साथियों, आमदार साहब ने तो बहुत से वादे करो और उसके बाद भी इनकी जो भी मदद हो सकती है जनता की मदद करो, मैं यही चाहूंगा। और यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं और अहमद भाई आप तैयारी करें, इंशाल्लाह हम लोगों को यहाँ पे वाकई में लोकल आमदार चाहिए। और यहाँ पे काफी लोग हैं, रफी भाई का ग्रुप है, सबका ग्रुप है, सब लोगों ठीक है। शोएब भाई क्या कहेंगे आज जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो ये प्रोग्राम रखा है इसके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा सा बताइए। पार्टी में नदीम मोमिन जो बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी में थे, उन्होंने राष्ट्रवादी का काम देखकर, राष्ट्रवादी के नेताओं का काम देखकर, हम लोगों का काम देखकर उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद 4-5 दिन बाद उन्होंने ये चाहा कि पिरानीपाड़ा में वार्ड नंबर 11 में वो प्रोग्राम रखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई आएंगे सब लोग, वार्ड आज तो वार्ड के प्रोग्राम में आए। उन्होंने सत्कार का भी प्रोग्राम रखा हमारे साथ ही साथ में। और खासकर मेन मुद्दा यही है कि राष्ट्रवादी पार्टी हम लोग हर वार्ड में हर गली गली में राष्ट्रवादी झंडा लहराना चाहते हैं और पब्लिक को और जनता को जोड़ना चाहते हैं। और अभी हम एक मुहिम भी चालू करने वाले हैं कि हर वार्ड में प्रोग्राम हो और लोगों तक पहुँचे और राष्ट्रवादी क्या करना चाहती है और क्या करेगी कि लोगों तक पहुँचाना का काम हमारा है और वो हम करेंगे। सर आज आपने जो घोषणा की है अहमद भाई को जिस तरह से पूर्व से लड़ाने के लिए जिस तरह से आज इस मंच से राष्ट्रवादी के मंच से घोषणा की है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि भिवंडी की मैं जनता से मिला काफ़ी बार, यहाँ के आमदार से लोग परेशान हो चुके हैं और उनके लोग तो उनकी तारीफ करेंगे लेकिन आम जनता जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो भी परेशान है। और उनके लोगों का कहना ये है कि हमको ऐसा आमदार चाहिए जो 24 घंटा भिवंडी शहर में रहे, जब जाए उनसे मुलाकात कर सके, हफ्ते में 2 दिन आने वाला आमदार नहीं चाहिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भिवंडी का कोई ना कोई आमदार बने और हम खुद अपनी पार्टी का डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी को इस सीट मिले, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के जब सीट का बंटवारा होगा तो राष्ट्रवादी के लिए हम इस सीट की मांगनी करेंगे। और हम चाहेंगे हमारे पास जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अहमद सिद्दीकी साहब जो डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं, 3 बार नगर सेवक भी रह चुके हैं, आज जनता ईस्ट में उनकी पकड़ अच्छी है, उनके समाज के लोग हैं, उनके गाँव घर के लोग हैं, एक चेहरा अच्छा है। एक मैं अपने तरफ से प्रस्ताव रखूंगा कि अहमद सिद्दीकी साहब को टिकट दिया जाए हमारे हाईकमांड शरद पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और जितेंद्र अवार साहब के सामने। और इंशाल्लाह मैं ही नहीं तो राष्ट्रवादी पार्टी से मुझे उम्मीद है कि इनको कैंडिडेट पसंद देखना चाहिए। शोएब भाई आप अपने हर मंच से जो है आमदार की जो है उसको निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उनकी पार्टी से या उनसे आपको बहुत ज़्यादा डर है इसीलिए आप हर बार उनको ही निशाना बनाते हैं? देखिए मैं निशाना कोई जानबूझ के नहीं बनाया जाता और निशाना मैं बनाने के जो आप वजह है कि अभी सामने आमदार हो ही है और आमदार कोई भी पार्टी का रहता है और सामने अपोजिशन में रहती है, काम होता है तो हम अच्छी बात जो अच्छा काम करते हैं तो हम तारीफ भी करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं फिलहाल चुनाव प्रचार तो कॉर्पोरेशन के हो रहे हैं ना, कॉर्पोरेशन इलेक्शन कॉर्पोरेशन का हो चाहे आमदार को चाहे अपना MP का हो, जो चीज़ सही रहेगी वो लोगों तक बात पहुँचाना हमारा काम है। आमदार में जो कमियां हैं मैं कोई आमदार के भाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, आमदार से मुझे शिकायत है इस चीज़ को लेकर, जो वादा उन्होंने किया था काम को लेकर वो काम हुआ नहीं, जो मेन काम था गटर नाली तो ये सब तो जो उनकी नीति से बनती है कोई बड़ा काम नहीं है, या वो तो नगर सेवक का काम है, तो जो उनका बुनियादी काम होना चाहिए वो अभी तक के कोई बुनियादी बड़ा काम वो मुझे बता दे क्या किया उन्होंने।
अच्छा शोएब भाई, आपने IGM हॉस्पिटल को लेकर भी कहा, तो IGM हॉस्पिटल में आपके हिसाब से किस तरह का सुधार आना चाहिए? मतलब जो फिलहाल अभी जब से हुआ है, मैं यही सुन रहा हूँ कि 200 बेड का हॉस्पिटल होने वाला है। ये तो मांगनी हमने भी बहुत जमाने से मांगी है, ये आमदार थे, ये बार बार जा रहे थे, 200 बेड की मांगनी की थी। आज उसके अंदर सोनोग्राफी और जो जितनी मशीनरी सब आके रखी हुई है, आज 2.5 साल हो गया है, आज तक मशीनरी का कोई डॉक्टर या कोई आया नहीं है कि क्या बोलते हैं उनको, ऑपरेटर नहीं आया, मशीन ऑपरेटर नहीं आया अभी तक के 2.5 साल में, मशीन ऑपरेटर नहीं ला पाए। तो आगे क्या उम्मीद किया जाए? आज सोनोग्राफी करो या कोई जो एक्सरे मशीन बंद पड़ी रहती है, आप जाके देखो। आज गरीबों के लिए बहुत मतलब बहुत दुख की बात है, गरीबों के लिए इतना बड़ा एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनको राहत दिलाने के लिए ये सब बुनियादी काम होना चाहिए था। इसलिए IGM को लेकर जो हमेशा वो नेतागिरी करते थे, तो सब झूठा है, वो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। आज पब्लिक भी जाती है, हम जाके धक्के खा के परेशान होकर वापस आ रही है। जब आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में राष्ट्रवादी पार्टी के आप कितने नगर सेवक देख रहे हो कि इतने नगर सेवक हम लोग चुन के आ जाएंगे, थोड़ा एक आंकड़ा हम चाहेंगे थोड़ा सा? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की से उम्मीद है, और मैंने जब अल्लाह ताला से मांगा है कॉरपोरेशन इलेक्शन में मुझे मिला है, मुझे मेरे पास आज आपको एक चीज़ और बता दूँ, आज मेरे पास लड़ने के लिए हर वार्ड में कैंडिडेट है, और 30 सीट तो इंशाल्लाह हमको पूरी अल्लाह याद से उम्मीद है पश्चिम और पूरा मिला के 30 सीट आएगी राष्ट्रवादी पार्टी की। और जो आप बार बार कहते हैं कि समाजवादी बहुत कहीं मजबूत पड़ी है, तो आपकी गलत फहमी है। अगर समाजवादी मजबूत होती तो उनके पास खुद का कैंडिडेट होता, खुद पैदा करते अपने कैंडिडेट, वो आ जाकर हमारे नगर सेवक को, हमारे अच्छे कैंडिडेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों से, ये आप समझ के चलिए। ठीक है। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे HTS न्यूज के साथ, मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।